वाराणसी से सूरज कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा के मौके पर आस्थावानों की कतार। वाराणसी सुबह से ही गंगा घाटों पर नजर आई। पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों का रेला सुबह से ही दशाश्वमेध घाट सहित अन्य घाटों पर नजर आने लगा। आस्था का रेला ऐसा उमड़ा कि नदियों के दोनों छोर पर पुण्य की डुबकी लगाने और दान पुण्य की होड़ मच गई। वाराणसी में सुबह से ही गंगा घाटों पर आस्था का रेला उमड़ा तो घाट हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। नदियों से लेकर मठों मंदिरों तक हर हर गंगे और हर हर महादेव की गूंज उठती रही। बाबा दरबार से लेकर विभिन्न मंदिरों में आस्था की कतार दिन चढ़ने तक लगी रही। गीतकार वाराणसी, आज किस तरह का नहान है केडी जी? आज बड़ा ही पवित्र स्नान है माघी पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का मतलब होता है कि जब अगर आप माघ महीने में अगर पूरे महीने आप स्नान अगर न कर पाए गंगा स्नान, तो आप किसी पवित्र नदियों में लोटा लगा लेते हैं तो पूरे एक महीने का आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। इसलिए आज माघी पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व। आज दान स्नान और गरीबों में आपकी यथा उचित जो दान देते हैं उसका, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के लिए और मन वांछित फल प्राप्ति के लिए आज के स्नान का, आज के तिथि का विशेष महत्व और पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। गुरु जी अपना नाम बता दीजिए। अवशेष पांडे। सूर्य किस तरह का स्नान चल रहा है? आज माघ पूर्णिमा का स्नान था। माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सुख समृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होती है। जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु आज के दिन में पवित्र नदी में गंगा में स्नान करते हैं उनकी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। आज के माघ पूर्णिमा के तिथि पे हवन दान दर्शन पूजा का विशेष महत्व रहता है। जो भी श्रद्धालु, जो भी जातक आज के दिन गंगा में स्नान करके भगवती या किसी भी मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, दान करते हैं, उससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। ये तिथि हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है।